अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। नगर में चल रही राज्य स्तरीय लेदर बाल्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शनिवार को फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। फाइनल मुकाबला डीसीए को हराकर जबलपुर बनखेड़ी ने यह मैच 2 विकेट से जीता। नगर में चल रहे 4 फरवरी से राज्य स्तरीय लेदर बाल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में बनखेड़ी जबलपुर ने रोमांचक जीत दर्ज की। वहीं पुरस्कार वितरण के दौरान मौजूद अतिथियों ने खिलाड़ियों के खेल भावना एवं खेल में बढ़ते युवाओं के रुझान को लेकर अपने विचार रखे। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, इंदौर के भाजपा नेता गोलू शुक्ला, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज रघुवंशी, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल सहित अन्य ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मैन ऑफ द मैच शुभम भंडारी, मैन ऑफ द सीरीज प्रज्वल जोशी को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। वहीं जबलपुर की विजेता टीम को ट्रॉफी एवं 51,000 नगद एवं सनावत की उप विजेता टीम को 25,000 नगद एवं ट्रॉफी भेंट की गई। अतिथियों का स्वागत समिति के रवि आदिवाल, संदीप कोटिया, प्रांचल भावसार, इंदर बिरला, आफ्ताब हिलाल, अश्विन दुबे, हरविंदर सिंह कपूर, अवि आदिवाल, कांचा दीवाल, रोमेश आदिवाल, प्रदीप गढ़वाल, विनोद गौर, विवेक विद्यार्थी सहित अन्य लोगों ने किया। फाइनल के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी नागरिक पूरे मैच का लुत्फ उठाने के लिए अंतिम समय तक मौजूद रहे हैं। वहीं कई लोग बनखेड़ी जबलपुर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर उनका समर्थन कर रहे थे। वहीं कुछ लोग डीसीए की टीम का नगर में होने से उसका समर्थन करते हुए उसके जीतने की कामना कर रहे थे। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट सनावत।